बेटा हुँ? यहाँ मेधा जी कहाँ रहती हैं? कौन मेधा? राजकुमार जी की लड़की। अच्छा, वो ट्यूशन वाली दीदी? हाँ हाँ, इधर ही रहते हैं। चल। अरे भैंस की आंख, हम तो सोच रहे थे कि हम सबसे पहले पहुंचे हैं। यहाँ तो पूरी जनता पहुंची हुई है। इन्हें यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में पहला नंबर पाया। उसी कुड़ी के घर से बाहर खड़े हैं, जिसकी आगे ना मेला लग गया है। उस कुड़ी का नाम है मेधा सुशीला राजकुमार। चलो मेधा, आज से 4 साल पहले जब आपने 12th क्लास में सीबीएसई बोर्ड से ऑल इंडिया टॉप किया था, तब आपका नाम पिंकी नागपाल हुआ करता था। क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी कि आपका नाम पिंकी नागपाल से मेधा सुशीला राजकुमार कैसे हुआ? पिंकी, पिंकी। जी आंटी। लो बिटिया, जल्दी से दूध पी लो, स्कूल को देरी हो रही है। बस आंटी। अरे पूरा खत्म करो बिटिया, जल्दी करो। ओ मेरे दिल के चैन। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ईलो हुई गवाह, शाबाश। और ई रहा काला टीका, हमारी बिटिया को नजर ना लगे। चलो बिटिया, स्कूल को देरी हो रही है, चलो जल्दी करो। अरे चलो बिटिया, देर हो रही है, जल्दी करो। गुड इवनिंग मैम। हेलो, योर पिन प्लीज। मुझे नहीं पता। थैंक यू। थैंक यू। चलो ओके। कम बेबी। ओह शिट। Shut up, you bloody bitch! Yes, I knew it. Something fishy was going on in your life, bitch! You bastard! I'm not a bitch! She's a bitch! With whom you are sleeping! Come out! You bloody prostitute! You go to hell with that slut and your daughter! Fuck off! You go fuck to off! Go hell with that bitch! Get lost! Just go to hell! You fucking bitch! Get out! जब से देखे हैं साहब और मीम साहब ऐसे ही लड़ते रहते हैं, हम कभी नहीं देखे कि वो दोनों कभी बिटिया को गले भी लगाए हो। तुम तो जानते हो, जब से पैदा हुई है हम ही पाले हैं। बहुत डर गई थी बेचारी, इसलिए इसे यहाँ ले आए। कोई अपने बच्चे के साथ भी ऐसे कर सकता है? हमें देखो, 15 साल से औलाद के लिए तरस रहे हैं। भगवान ऐसे लोगों को औलाद देता ही क्यों है? नमस्ते मैम साहब, हम बोल रहे हैं। वो हम पिंकी, पर
हाँ, लेकिन चलो बिटिया, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। आते हैं। इलो छोड़कर नहीं आए? गए थे, घर पर ताला लगा हुआ था। मेम साहब को फोन किए, वो रखने से मना कर दी। अब कैसे होगा? हम का जाने, देखते हैं। बड़ी अजीब बात है। और ई रहा काला टीका, मेरी बिटिया को नजर ना लगे। चल हम बिटिया को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। लाइए जी। कैसी है बिटिया? गुमसुम है अभी भी। कुछ खाया? थोड़ा सा। हम सोच रहे थे कि कल सुबह काम ढूंढने जाएंगे, बहुत दिन से खाली बैठे हैं। नहीं नहीं, अब तुम सिर्फ बिटिया को देखो, कोई काम वाम नहीं ढूंढना। पर सुशीला, देखा जाएगा, हो जाएगा। हेलो सर, राजकुमार बोल रहे हैं। जी सर, जी सर, तुरंत पहुंचते हैं सर। आ गया सर। सर पिंकी ना तो किसी से बात करती है और ना ही इसका पढ़ाई में मन लगता है। ये देखिए इसकी आंसर शीट, बिल्कुल खाली है।
देखिए राजकुमार जी, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है। आप ये जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप एक ऐसी बच्ची की परवरिश कर रहे हैं जिसको उसके ही माता पिता ने डिसाउन कर दिया है। लेकिन केवल सहानुभूति से दुनिया नहीं चलती। स्कूल मैनेजमेंट को फीस चाहिए, या तो फीस जमा करवा दीजिए या बच्ची को स्कूल से निकाल लीजिए। और वैसे भी ये बच्ची पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, जिससे हमारे स्कूल का नाम भी खराब हो रहा है। आप मेरी बात मानिए, इस बच्ची को हमारे स्कूल से निकाल कर किसी सरकारी स्कूल में डाल दें। और वैसे भी आप कौन सा इसके असली पिता है? नहीं नहीं सर, ये बच्ची पढ़ेगी सर। ये बच्ची बहुत बड़े घर की बच्ची है, ये बहुत बड़ी अफसर बनेगी सर। सर हम इसकी पूरी फीस जमा करवा देंगे, आप इसे स्कूल से मत निकालिए। सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। राजकुमार जी, ये आप क्या कर रहे हैं? उठिए। हम फीस जमा करवा देंगे सर, हमें थोड़ा समय दे दीजिए, बच्ची को स्कूल से मत निकालिए। अच्छा उठिए, स्कूल से मत निकालिए सर, स्कूल से मत निकालिए। मैं आपको 2 महीने की मोहलत देता हूँ। जी सर जी। लेकिन इसी 2 महीने में आपको स्कूल की पूरी फीस जमा करनी होगी। करवा देंगे सर, हो जाएगा सर। हाँ एक बात और। जी सर। मुझे बच्ची की परफॉर्मेंस में सुधार चाहिए। जी सर। ताकि जी हम इसे अपने स्कूल में रख सकें। अदरवाइज आप जानते ही हैं। धन्यवाद सर। चलो बेटिया। चलो बेटिया। पापा थोड़ा ध्यान से चलिए ना। पापा आइए ना। जानती हो आज क्या हुआ? का है? आज हमको पापा बोले। सच? हाँ। हमको तो बहुत दिन से मम्मी बुला रही है। तुम हमें बताए नहीं? का है? बन गए मम्मी पापा। हाँ, बन गए। चलते हैं। अरे कहाँ चल दिए? पापा बन गए हैं, जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। बिटिया को पढ़ाना लिखाना है, बड़ा अफसर बनना है। इतनी रात हो गई, सोई नहीं अभी तक। माँ आप सो जाइए, मुझे भी पढ़ना है। ठीक है, जल्दी खत्म करके सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। ठीक है माँ। माँ। हाँ बेटिया। माँ पापा कहाँ गए हैं? काम पर गए हैं। इतनी सुबह? हाँ कुछ नया काम पकड़े हैं।
माँ हम स्कूल जा रहे हैं। अरे रुको बिटिया, हम चलते हैं छोड़ने। माँ अब हम बड़े हो गए हैं, अपने आप चले जाएंगे। अच्छा ध्यान से जाना बिटिया। जी। आओ, पिंकी बेटा आओ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कांग्रेचुलेशंस। तुम्हें याद है लास्ट वीक तुमने जिस इंटर स्कूल स्टोरी राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, इन दैट यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक। थैंक यू सर। बिटिया पापा जल्दी आ जाइए, खाना तैयार है। आ गए बिटिया, आ गए। और हाँ, 4-5 दिन तक खाना हम ही बनाएंगे, मम्मी आराम करेगी। और जैसा भी बनाएंगे चुपचाप खा लीजिएगा। बिटिया से रोटी काहे बनवाई? कपड़े से हैं, बिटिया को पता लगा तो बोली तुम आराम करो, खाना हम बनाएंगे। धत तेरे की, कपड़ों वाली बात बिटिया को काहे बताई? बिटिया सयानी हो गई है, सब जानती है। अच्छा सयानी हो गई है, सब जानती है। क्या हुआ, अच्छी नहीं बनी? अरे नहीं नहीं बिटिया, बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। मेधा बेटा, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, यू हैव टॉप्ड इन द क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस, एंड हेयर इज योर गिफ्ट, लैपटॉप। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू। सुशीला तुम प्रिंसिपल सर के लिए चाय बनाओ, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। लेकिन तुम कॉलेज ज्वाइन क्यों नहीं कर रही हो? कर रही हूँ ना सर, कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। और फिर आपने ही तो कहा था कि लोग कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़कर बड़े बड़े आईएएस तक बन जाते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? और फिर सर, कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन करूँगी तो खर्चा भी कम होगा और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी टाइम मिलेगा, इससे घर पर 2 पैसे आ जाएंगे। मेधा बेटा, मुझसे जो बनेगा मैं हर संभव तुम्हारी मदद करूंगा। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सर। किसका है? अरे पड़ोस के बच्चे आए हैं, बिटिया पढ़ा रही है। अच्छा चलो।
कुछ भी नहीं आसा यहाँ, सूरज से पहले उठ के तुझको जागना है, अपनी किस्मत से आगे तुझको भागना है, सूरज से पहले उठ के तुझको जागना है, अपनी किस्मत से आगे तुझको भागना है, दुनिया क्या चाहे उस पे अब तू गौर न कर, तेरी दुनिया तुझसे है बस तू देख इधर, उठ जा बंदिया अब देर न कर। अब ये लाइट को भी अभी जाना था, मोमबत्ती भी नहीं मिल रही है। हिम्मत को और जगा ले खुद में तू अपनी, रब संग तेरे अब करता है तू फिकर किसकी, जो चाहे अपनी मेहनत से तू पाले इधर, तेरी दुनिया तुझसे है बस तू देख इधर। अरे क्या कर रहे हो बिटिया, यहाँ पढ़ रही है और तुम सो रहे हो? अरे कहाँ सो रहे, जागे हुए तो हैं। आंखें खोल के जागो, देखो बिटिया को। चलो बिटिया। अरे बिटिया, अब क्या हुआ माँ? दही चीनी तो खाती जा। चुक चुक चलो। अच्छा माँ, सफल हो। हाँ जी सर, वो मेरा इंटरव्यू है। अच्छा, पर्चा दिखाओ, जाओ। सर बहुत डर लग रहा है। मेरा बेटा, जब प्रीलिमिनरी और मेंस निकल गए तो आज का इंटरव्यू भी निकल जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। पिंकी नागपाल, आई वॉज एन अनवॉन्टेड अनलव्ड चाइल्ड ऑफ मिस्टर शैलेंद्र नागपाल एंड जूही सिंह नागपाल, एंड विद इमीडिएट इफेक्ट आई हैव डिसोन्ड देम। करता है तू फिकर किसकी,